फिर लिए। आज हम करेंगे आइसोमेट्रिक वर्कआउट। कल हमने किया था ना फुल बॉडी वर्कआउट किया था, तो क्या है पूरी बॉडी टायर्ड है, तो उसको रिकवरी देने के लिए मैं क्या करता हूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना, एक दिन हार्ड एक दिन लो। तो आज बिल्कुल भी जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वर्कआउट में। डॉक्टर साहब को पता ही है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आइसोमेट्रिक वर्कआउट है। आइसोमेट्रिक वर्कआउट में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट, ना इसमें मसल्स लेंथ होगी, ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो इसमें बस होल्डिंग वाली है, होल्डिंग से ही आपकी एक जो मसल्स वहां पे वेट ट्रेनिंग में हमारी कंडीशन नहीं हो पाती वो यहाँ करेंगे। तो तीनों बॉडी तीनों पार्ट लेंगे हम, पहले कोर, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। 30 मिनट है हमारे पास, 30 मिनट्स, तो डिवाइड ऐसे करेंगे 10 10 10। तो कोर करेंगे हम 45 सेकेंड का एक एक्सरसाइज करेंगे जो हमें होल्ड रखना है, 15 सेकेंड ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले कोर में प्लैंक, सबसे बेसिक पहले, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा गैप बना के आप लोग स्टार्ट हो जाओ। अबे होल्ड करके नीचे दे, राजेश तू घूमता रहे। यस सर जी, नीचे करिए थोड़ा सा ना। हाँ, और देखिए कोर को हमेशा जहां आपकी नाभि है उसको टाइट रखो। माइंड मसल कनेक्शन, जिस मसल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस पे अपना माइंड को फोकस करो तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। गुड, बहुत बढ़िया। अभी आपने ना स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा क्या कर दिया, आपने आपको हार्ड में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको यहाँ लाओ, ठीक है। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल हितेश जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट पोस्चर है। देवेंद्र थोड़ा सा आप अंदर, आप लास्ट 10 सेकेंड्स। यस, रिलैक्स। अभी नेक्स्ट रहेगा ये होल्ड, ठीक है। इसमें जैसे मैं बताता रहूंगा अपने आप को उस टाइप से इंप्लीमेंट करते रहना, ठीक है। यस, स्टार्ट। ये बिल्कुल टेबल टाइप में, ये पैरेलल टू ग्राउंड रहेगी, ये इसका 90 डिग्री बनेगा आपका पैर का। और कंधे कोशिश करो उठा के, और एब्स को कॉन्ट्रैक्ट रखो, हाथों को थोड़ा सा ऊपर, अपने आप को मैक्सिमम पुश करो यहाँ पे होल्ड। जैसे मैंने पहले लास्ट सेट में बताया था कि माइंड कहाँ कनेक्ट करना है, जिसका वर्क कर रहे हैं। लास्ट 15 सेकेंड, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा और ऊपर मैम, थोड़ा, हाँ यस यस। डॉक्टर साहब का वेट ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहो। स्टॉप स्टॉप, अभी वी होल्ड, वी होल्ड। क्या था इसमें भी, चलो स्टार्ट। मैं ड्यूरिंग वर्कआउट बता दूंगा पोस्चर करेक्शन। यस, ब्रीद आउट करके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एब्स को, फोकस यहां पे, फॉल, गुड गुड। थोड़ा सा और आप मार्जिन है यहां पे उठाने का, हितेश जी थोड़ा सा और मार्जिन है। यस, होल्ड। गुड, नी को फोल्ड ना करें। लास्ट 10 सेकेंड, बढ़िया, थोड़ा सा और आपके अंदर मार्जिन। यस, होल्ड, स्टॉप, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। ये सिटअप्स और क्रंचेस जो हम करते हैं जिनमें आपकी बैक रोल हो रही है, ठीक है, वो जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं ना, इसमें नहीं हो रहे, बट इफेक्टिव उतना ही है, कहीं उससे ज्यादा भी है। नेक्स्ट, लेग रेज होल्ड। लेग रेज होल्ड में करना क्या है, यस,
छह इंच ऊपर पैरों से, शोल्डर भी अगर आपको थोड़ा सा इंटेंस करना है तो शोल्डर हाँ उठा के रखो, जिससे क्या होगा कि आपकी एब्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी। यस स्टार्ट। नहीं हाथ यहां नहीं रखना, हाथ वो अलग है। यस 6 इंच काफी है और गर्दन पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं, बस कंधों को उठाओ, गर्दन को रिलैक्स छोड़ो। यस कंधे उठा के रखो, गुड, फोकस माइंड कनेक्शन अपने एब्स पे, गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 5, स्टॉप स्टॉप, यस नेक्स्ट, ये होल्ड पहला, ये ठीक है, इसमें भी कहाँ है कंधे उठे हुए हैं। यस लेग स्प्रेड नहीं है, बस हाथ स्प्रेड है। फर्स्ट लास्ट टाइम कर रहे थे ना, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो जाओ जो हाथ ना टकराए। स्टार्ट, जैसे बताया था मैंने, शोल्डर को ग्राउंड से उठाने की कोशिश करो, गर्दन पे जोर नहीं आना चाहिए, गर्दन रिलैक्स। देवेंदर नेक, हाँ यस, कोर एंगेज, बहुत बढ़िया। सांस लेते रहो, सांस रोकना नहीं है, बहुत बढ़िया। हितेश जी थोड़ा सा और मार्जिन, आप कंधे उठाओ, लास्ट 15 सेकेंड। जिसको लग रहा है कि मेरे लिए हार्ड है वो पॉज करके फिर से रिस्टार्ट कर दिए, हाँ लास्ट 5 सेकेंड, स्टॉप, रिलैक्स। एक और है अभी, स्टार होल्ड, स्टार होल्ड में करने गए, लेग्स भी स्प्रेड होंगे और 6 इंच ऊपर ग्राउंड से, और ये हाथ यहां पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट, पैर खोलो, हाथ भी उठाने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब हाँ गुड, कंधे उठाने, गर्दन पे ज्यादा जोर नहीं देना है, और फोकस माइंड कनेक्शन अपनी कोर पे। लास्ट 15, फाइव, यस स्टॉप, रिलैक्स। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए, हमने कोर कंप्लीट कर ली, अभी करेंगे अपर बॉडी, ठीक है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज रहेगी वो क्या है, चेस्ट, चेस्ट करेंगे, पुशअप्स होल्ड, पुशअप्स होल्ड में पहले करो, एक जन करके बताओ आप करिए, हाँ इसमें देखो हाथों की पोजीशन ये, काफी लोग ये कर रहे हैं, ये ट्राइसेप्स होल्ड, ये करेक्ट बाहर की तरफ, ठीक है रेडी, होल्ड करना है, हाँ नीचे जाके पुशअप्स में होल्ड, लोअर पे हाँ मैट को पीछे कर सकते हो, रेडी स्टार्ट। गुड, जिसको लगे वो रोक के फिर रीस्टार्ट कर सकता है, यस बहुत बढ़िया। फोकस माइंड कनेक्शन कहाँ करना है, शोल्डर और चेस्ट, प्राइमरी चेस्ट, गुड बहुत बढ़िया। लास्ट 10, 5, 4, डाउन, रिलैक्स, गुड। ये आपकी ना बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ, पुशअप स्ट्रेंथ, डंबल प्रेस जो करते हो उसमें फर्क देखना, 5-10% ना अगले वर्कआउट में ही आ जाएगा, समझ रहे हो।
यस ट्राइसेप्स होल्ड, ट्राइसेप्स होल्ड में जैसे बताया था आर्म्स कहां रहेगी क्लोज सेम रेडी स्टार्ट हाँ सचिन जी नीचे नीचे और गर्दन सीधी मैडम और थोड़ा डाउन जा सकते हो ग्राउंड से बस आपको चार उंगल ऊपर रहना है थोड़ा सा होल्ड डाउन यस यहां पे होल्ड हाँ गुड सामने देखो और अपने आप से चैलेंज रखो 30 सेकंड कराऊंगा या 45 सेकंड नहीं है फर्स्ट डे है ना बहुत बढ़िया रिलैक्स गुड यस नेक्स्ट अभी हाँ वाटर ब्रेक आप लोग वाटर ब्रेक मैं थोड़ा सा बता दूं ये जो वर्कआउट है ना ये जब जैसे लगता है कि यार मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं कभी ना कभी तो होता ही है 5-6 महीने में 3 महीने में होता है तो जॉइंट्स जब आपको इन्वॉल्व ही नहीं करने हैं तो ये वर्कआउट आपको टोन अप रखने में मदद करेगा ना तो वेट बढ़ने देगा ना आपका सेप आउट होने देगा तो ये आप कहीं भी बिना इक्विपमेंट के भी परफॉर्म कर सकते हो कहीं भी रहो जैसे आउट स्टेशन गए घर गए कहीं रिलेशन में गए ठीक है नेक्स्ट अभी हम लोअर एंड अपर कंबाइन करेंगे क्योंकि टाइम उतना ही है लोअर में लंजेस एंड बाइसेप्स होल्ड फुल कॉन्ट्रैक्ट आपके पीक को ठीक है यहां पे होल्ड वेट्स नहीं लेना बिना वेट के ही करा देता हूं ठीक है ये मैट को थोड़ा पीछे कर दो सचिन जी लंजेस आगे वाला पैर बिल्कुल 90 डिग्री ना तो नी आगे जाएगा टो से ना ज्यादा पीछे रहेगा पिछला जो पैर रहेगा उसका नी ग्राउंड में टच करने के लिए कोशिश करना ठीक है चलिए स्टार्ट हाँ बॉडी बिल्कुल स्टेबल होल्ड सारी होल्डिंग एक्सरसाइजेस थोड़ा सा और डॉक्टर साहब वेट ज्यादा है इनका रेंज ऑफ मोशन कम है एक्सक्यूज भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सचिन जी आप थोड़ा सा और पैर को पीछे वाले पैर को बाहर की तरफ प्लेस करो हाँ गुड और बाइसेप्स फुल कि हाँ लगे कि अब मैं पप पप। हाँ टिका सकते हो लेकिन बॉडी पे वो रहना चाहिए रिलैक्स लेग स्विच करेंगे स्टार्ट बाइसेप पे लास्ट जो आपने किया था उसमें फोकस नहीं था तो इस वाले पे फोकस करो फुल और आगे लीन नहीं हो ना थोड़ा सा पीछे की तरफ यस रिलैक्स रिलैक्स सुमो स्क्वाट किया है ना सुमो स्क्वाट लेग स्प्रेड करके डाउन जाना है ये और ये एंगल बिल्कुल एक अलग ठीक है इसमें आपको हाथ ये रखना है विदाउट वेट इसमें शोल्डर कवर है रेडी एक लाइन में रहो कोशिश करो एक लाइन में अच्छा सा लगेगा स्टार्ट हाँ आगे लीन नहीं हो ना थोड़ा सा पीछे होके बैठो हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स और लोअर बैक आएगी यस अगर ऐसी एक्सरसाइजेज में आपके शूज बीच में आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आप अच्छा रहेगा कि नंगे पैर करो बेयरफुट ठीक है हाँ ये हाथ ऐसे नहीं रखना इनको सॉलिड तरीके से आगे कॉन्ट्रैक्ट फ्रंट डेड्स थोड़ा सा लीन होके पीछे की साइड स्टॉप स्टॉप रिलैक्स लंजेस का एक एडवांस क्योंकि लंजेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म की उसमें थोड़ा सा मैं उसको इंटेंस करने के लिए क्या करूंगा टो पे आ जाएंगे ठीक है और इसी में लेटरल रेज शोल्डर का लेटरल पार्ट हम हिट करेंगे ठीक है रेडी स्टार्ट टो पे लंजेस में टो पे पीछे वाला पैर पे भी आगे वाले पैर पे भी टाइम रहेगा 30 सेकेंड ये होल्ड
हाँ, फोकस आपका माइंड मसल कनेक्शन, लेटरल हेड और लेग्स तो है ही, ये लास्ट 2 सेकेंड रिलैक्स, लेग स्विच करेंगे, यस स्टार्ट। कोशिश बैलेंस बैलेंस, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, गुड। ये थोड़ा सा था ना, अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे क्योंकि कभी किया नहीं है, तो इसमें क्या है, एंकल भी आपका ट्रेन हो रहा था, एंकल जॉइंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लोज स्टांस स्क्वाट। क्लोज में क्या करना है, जैसे हम नेचुरल यहाँ खड़े होते हैं स्क्वाट करने में, जितने आपके भाई शोल्डर ब्रोड हैं उसके पार्ट कर देते हैं, बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोज क्लोज में बस गैप इतना होना चाहिए 2 से 3 इंच का, ठीक है, और स्क्वाट पोजिशन हाफ तक जाना है, देन होल्ड, आगे लीन होने से बचे, अगर नहीं बैलेंस बन रहा तो आप लीन हो सकते हो, कोशिश करना पीछे होके बैठना। रेडी स्टार्ट। बढ़िया, आपका फोकस माइंड मसल कनेक्शन क्वाड्स पे रहना चाहिए, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई है, गुड, बहुत बढ़िया। इसको मैं 45 सेकंड तक लेके जाऊंगा क्योंकि ये आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, गुड। हाथों को क्लोज, अपने आप से ही चैलेंज, लास्ट 10 सेकेंड, कोई बात नहीं, जब लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, एक बार खड़े होकर फिर से रिस्टार्ट करो, लास्ट 5 सेकेंड, गुड गुड गुड, स्टॉप, वेरी गुड। हमने ऑलमोस्ट क्या किया, लेग्स में कवर कर लिया, फ्रंट क्वाड्स हैमस्ट्रिंग, अभी हिप थ्रस्ट करेंगे, सिंगल लेग हिप थ्रस्ट, ठीक है, उसके लिए क्या करें, मैट ले लो, आप मैट बिछा लो, उसमें मैं एक बार करके दिखा देता हूँ डेमोस्ट्रेट। हिप थ्रस्ट तो अपने लोगों ने किया हुआ है, पैरों की प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, सबसे पहले आपके शोल्डर जितने ब्रॉड हैं उधर, और लेग्स हिप से थोड़ा सा बाहर, कि आपको स्पेस मिले, रेंज ऑफ मोशन मिले परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एक पैर के ऊपर पैर रखना है और ये होल्ड रखना है, ठीक है। इसमें अगर मैं चेस्ट और इंक्लूड करूं तो आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखो, यहाँ पे आपके पेक्टोरियल मसल, ठीक है, यहाँ पे। चलिए रेडी स्टार्ट। गुड, और थोड़ा सा ऊपर करो, कमर को कोशिश करो फुल एलिवेट, हाँ, आपको कनेक्ट करना है माइंड को आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक, जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आपके उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। लास्ट 10 सेकेंड, गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो, रिलैक्स रिलैक्स, स्टार्ट। यस, होल्ड, फुल एलिवेट, मैक्सिमम बॉडी वेट आपका शोल्डर पे और लेग पे, यस गुड, पूरा आपके अपर चेस्ट को फुल कॉन्टैक्ट, गुड, थोड़ा सा और ऊपर, यस हिप, लास्ट 5 सेकेंड, रिलैक्स। दो लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज में चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस है, ठीक है, एक लॉन्ग प्लैंक और एक लॉन्ग होल्ड, दो करेंगे,
मैक्सिमम टाइम तक अपने आप से चैलेंज लेके, ठीक है, ये दो रहेंगी, ये कंप्लीट बॉडी आती है इसमें, लॉन्ग प्लैंक और जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो चलिए पहले लॉन्ग प्लैंक। लॉन्ग प्लैंक में क्या रहेगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, हाथों की प्लेसमेंट आगे शोल्डर से, हाँ स्टार्ट, आगे थोड़ा और आगे, आगे और क्लोज, हाथों को क्लोज और आगे, हाँ और यहाँ लाओ, यस हॉल्ड, बहुत बढ़िया। इतने जित पैरों को क्लोज करो, पीछे पैर ज्यादा वाइड मत करो, हाँ कनेक्ट पूरी अपनी बॉडी को करना है, हाथों को, शोल्डर को, चेस्ट को, कोर को, ठीक है, थाइस, काफ, एंकल, एक टाइप का मेडिटेशन है ये, कि अपनी माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड है, बाकी आप जो आगे कर सकते हैं, आगे फेस को आगे आगे करो, हाँ गुड। स्लिप हो रहा है ना, तो आगे से क्या करना, शूज ऐसे पहनना या थोड़ा सा स्लिपरी प्लेस में नहीं, आप अपने आप को वो करना, गुड, स्टॉप स्टॉप, बहुत बढ़िया किया। इसमें आया होगा ना सारे सारे मसल ग्रुप पे, सभी मसल ग्रुप एंगेज रहे थे ना अभी, जो मैंने लास्ट बताया था। यस हाँ, ये देखो वो देवेंद्र कर रहा है ना, स्टार्ट, देखो जैसे मैंने बताया था, ये दोनों आपके पड़ोसी कर रहे हैं, हाथों को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ सकते हो हाथों को मैडम, हाँ आईज क्लोज करके माइंड कनेक्ट करो। इसमें आ रहा होगा आपको प्राइमरी, तो आपके हैमस्ट्रिंग आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, लोअर बैक। सचिन जी थोड़ा सा आगे रखो पैरों को, हिल पे रखो, जितना हिल पे रखोगे, हिल को गड़ा के रखोगे ना जमीन में, उतना ज्यादा इफेक्टिव है ये हैमस्ट्रिंग को कंडीशन करने की, सब बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हाँ टो को ऊपर की तरफ मैडम, टो को, हाँ यस टो को ऊपर की तरफ, हितेश जी टो को ऊपर की तरफ, बस बहुत, और सब बढ़िया है। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। अभी इधर ऑलमोस्ट हमने 25 मिनट्स में पूरे बॉडी पार्ट कवर कर लिए, ठीक है। ये अगली बार मैं थोड़ी सी इसमें वेरिएशन लेके आऊंगा, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस, जो जिसमें आप लोग इजी थे उनको कट ऑफ करके नहीं लेके आऊंगा, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और बढ़े, ठीक है। दूसरा एक सेशन रहता है हमारा थर्सडे को, अभी दिवाली की वजह से नहीं कर पाए थे, थर्सडे को जो स्ट्रेचिंग पार्ट रहता है, एक्टिव स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, तो बहुत लोगों क्या होता है एंकल मोबिलिटी कम है और हिप फ्लेक्सर्स है ना, उसकी वजह से काफ़ी एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम आती है, तो वो हम सुधारेंगे। आपको थी बैक प्रॉब्लम, वो सॉल्व हुई है ना, ये बहुत दूर जाते थे पलवल डेली, तो बैक प्रॉब्लम इतनी थी, वहाँ भी सिटिंग जॉब और ड्राइविंग बहुत लंबी, और हितेश जी की भी स्टिफ थी, तो मतलब मैं जो अभी मेजर रिजल्ट्स, करंट रिजल्ट्स बता रहा हूँ, ये दोनों हैं, बाकी तो सबके आए हुए हैं, वो सचिन जी हैं, मैडम का तो सब जानते हैं। तो थैंक यू आज के लिए, आज हमने ऑलमोस्ट 25 मिनट्स वर्कआउट किया, आइसोमेट्रिक वर्कआउट, ये इक्वल है आप जो वेट ट्रेनिंग करते हो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट्स के, और उससे भी अच्छा है, जैसे मैंने ड्यूरिंग वर्कआउट बताया था आपको कि ये आपकी बॉडी टोनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप कहीं भी रहते हैं, सपोज़ जिम असेस नहीं कर पाते हो,
काफ़ी बार दूर रहता जिम, या कहीं काम से होटल में गए हो, कहीं रिलेटिव्स के गए हो, तो आप ऑलमोस्ट 30 मिनट्स करो इसको ना, तो ये आपका वेट बढ़ने देगा, बॉडी शेप में रखेगा, तो ये चीज़ें। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसमें थोड़ा सा जो जिस वर्कआउट में आप कंफर्टेबल थे उनको हटा के वर्कआउट को नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी धीरे 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 प्रोग्रेस मेरे को बढ़ानी है। होप ये आज अपने वर्कआउट इन्जॉय किया होगा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्होंने भी इसको देखा होगा, समझा होगा, और होप करता हूँ आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। अगर लाइक आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।